Pancho. Ya. যদি আন্দোলনকারী বিলাকে বেছি ধর্ণা দিলে যেনেক পুলিশ প্রশাসনে কিবা এটা শক্তি প্রয়োগ করে এওঁলোকে যদি বেছিকৈ এইদরে ধর্ণা দি থাকে এটাই অস্ত্র আছে চাবনি কেন লাগে মানে এইটা হয়েছে এই ছাতি Well, good morning from Dipu Karbi Anglong. It's my third day in Dipu actually. And day before yesterday I ride to Dipu and do din main yahan pe ruka aur do din main maine acha khasa explore kiya and right now the time is to leaving this place. This is actually a beautiful homestay where I am staying. And agar aap logon ne mera jo previous video is ride ka dekha hai do din jo bhi hua hai तो आप लोगों को शायद दिखाई दिया होगा ये होमस्टे। अगर आप लोग कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आते हो, कार्बी आंगलोंग में अगर डिफू आते हो देन ये होमस्टे रिकमेंडेबल है। यू कैन स्टे हियर वेरी सेफली एंड यू विल मीट मिस्टर राजीव क्रो। ही इज़ एन फैंटास्टिक एक्टर ऑफ आवर असमिस फिल्म इंडस्ट्री एंड पर्सनली ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। इफ़ यू कम हियर इट्स माई गारंटी then you will love this place. So अभी कुछ टाइम बाद में like 10 to 15 minutes से यहाँ से मैं निकलूँगा। 10-15 नहीं actually it will take some more time actually because I have to take my breakfast also. So breakfast करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और ये जो दो तीन दिन मैं इधर रहा काफ़ी मैंने enjoy किया especially इस homestay पे। homestay पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको क्या फील होएगा। तो वो सब मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। जो होमस्टे का डिटेल वगैरह है मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डिफू आओगे तो मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग डिफू आओगे देन डेफिनेटली इसी होमस्टे पर आना। और अभी जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा मेरा अभी रूट होएगा कि मैं अपर असम होकर जाऊँ। एक्चुअली वी हैव डिवाइडेड अवर असम टू पार्ट, अपर असम एंड लोअर असम। जब मैं आया था मिडिल असम होके, जहाँ पे मेरा घर है नौगांव डिस्ट्रिक्ट, वहीं से आया था। और अभी जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा, आप लोगों ने शायद दिमापुर सुना होगा। यहाँ से एक्चुअली दिमापुर जो है बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। दिमापुर इट्स अप्रोक्स 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस एक्चुअली। सो मैं अभी दिमापुर के पास से निकलूँगा। दिमापुर तो मैं जाऊँगा नहीं, यहाँ से जो रोड जाएगी राइट साइड लेना पड़ेगा हाईवे मिलने के बाद फॉर दिमापुर एंड लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा गोलाघाट। एक्चुअली गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से ही दिमापुर जाते हैं अगर आप लोग अपर असम साइड से जाते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, गोलाघाट होके निकलूँगा। और इस रोड पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो रोड है ना थोड़ा सा डेंजरस है। अभी फ़िलहाल उतना नहीं है लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि 2010 तक अप्रोक्स लोग आने के लिए डरते थे उस साइड से अकेले। पहली बात तो है कि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल बोले तो हाथी मिलते हैं बिकॉज देयर इज़ अ फॉरेस्ट कॉल नंबर हवी के बीच में से जब मैं जाऊँगा वहाँ पे मुझे हाथी मिलने का चांसेस है। और बहुत जो है ना सुनसान लगेगा, आप लोग देखना वीडियो पूरा देखना तब पता चल। सो दिस इज द हाईवे, फ्रॉम हियर आई हैव टू टेक लेफ्ट बट मुझे ना पहले फ्यूल अप करवाना है। सो ये रहा सामने फ्यूल पंप, ये नहीं, ये अभी बंद रहा है। सो यहाँ पे फ्यूल मिलेगा नहीं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा फ्यूल के लिए। और उसके बाद मुझे बैक आना है शॉर्टकट। हाँ सी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से दिमापुर जो है 41 किलोमीटर
और डिलाई जो है 22 किलोमीटर। सो मुझे अभी पहले पहुंचना पड़ेगा डिलाई तक। ये जो एरिया है ना, एक टाइम पे ऐसा था कि भयानक जंगल था। अभी थोड़ा बहुत जंगल वंगल साफ़ हुआ है और रास्ता वगैरह ठीक हुआ है, फिर भी ये जो रोड है ये जगह जगह पे ना, ये देखो खराबी है अभी भी। यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा शॉर्टकट है ये वाला रोड दिमापुर के लिए, और ऐसा इश्यू नहीं है अभी। और अभी ये रोड जाके उसी हाईवे पे ऐड होएगा। आज का टेम्परेचर जो है कुछ 34 डिग्री सेल्सियस है, मेरे बाइक के हिसाब से, बाइक में दिखा रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस है। और अभी अप्रोक्स मुझे 170 किलोमीटर इतना राइड करना है आज। बहुत ज़्यादा राइड है नहीं, बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा क्योंकि ऑफ रोड भी नहीं है और पहाड़ भी नहीं है। अभी जैसे ही कार्बी अंगलोंग से निकलूँगा, गुलागा डिस्ट्रिक्ट पहुँचेंगे तो प्लेन ही प्लेन है। ये थोड़ा सा पहाड़ एरिया है, वो पहाड़ एरिया बोले तो ऐसा भी पहाड़ एरिया नहीं है जहाँ पे ऑफ रोड मिलेगा। कल मैं गया था एक जगह पे, वो थोड़ा सा ऑफ रोड मिला था यही डिपू में, बट उस लेवल का ऑफ रोड नहीं है कि आप बाइक 2-3 गियर में चलाना पड़े आपको। यहाँ पे नॉर्मल सी है, आप टर्निंग्स वगैरह जो है वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है, बाकी रोड वगैरह ठीक ठाक है। और यहाँ पे लोगों का घर जो है ना बहुत दूर दूर पे है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि पास पास में है। एक्चुअली ऐसे एरिया में ऐसे ही होता है, जंगल जो है ना इसको देख के सीरियसली बहुत भयानक फील हो रहा है। एक्चुअली लोगों के लिए नहीं, एक टाइम पे तो यहाँ पे जो मिलिटेंट वगैरह थे उन लोगों से बहुत प्रॉब्लम था इस जैसे जगह पे आने के लिए, बट अभी यहाँ पे हाथी वगैरह मिल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल मिल सकते हैं, और अगर ग्रुप में आते ना तो ठीक ठाक है। और शाम को तो इस जगह से आने के लिए साहस नहीं होगा, बाकी वैसे कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग अगर दिमापुर आते हो डिफू से तो दो वे है, एक तो वांझा होके आप आ सकते हो, दैट इज़ गुड, वहाँ पे कोई डरने बढ़ने की बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो रोड है ना, इसमें आपको थोड़ा सा भयानक फील होएगा, थोड़ा तो डर लगेगा आप लोगों को। सो दिस इज़ कार्बी अंगलोंग एंड वही है, बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं, जो मेन इन लोगों का प्रोफेशन है वो किसानी है, सो ऐसा खाली ज़मीन जो है ना बहुत ज़रूरत है, और मेनली दे आर डिपेंडिंग ऑन झूम खेती। सो ये रहा हाईवे, यहाँ से मुझे राइट लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट जाऊँगा तो मैं फिर से मांझा पहुँच जाऊँगा, तो मुझे ये राइट लेना है। और ये जो रोड है ये साइडगल में आया था नेशनल हाईवे 29 ही होगा, या अगर लिखा रहेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को ये कौन सा रोड है। पहले ये रास्ता 2 लेन टाइप का था, अभी इसको 4 लेन बना रहे हैं। चलो ये आप लोग याद रखना, दीफू से अगर आप निकलते हो ये छोटा वाला जो रास्ता है जहाँ से मैं निकला हूँ, दिमापुर अगर आप लोगों को जाना है या गोलाघाट भी जाना है तो आपको उस रास्ते से आके राइट ही लेना है, ये हाईवे आपको पकड़ना है। सो ये रहा, यहाँ से अभी लगभग हमें कुछ 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा तब जाके मिलेंगे दिमापुर, बट आगे कहीं से मेरे को कट लेना पड़ेगा फॉर गोलाघाट साइड। इसी जगह का नाम है डिलाइकेट, ये एक्चुअली नागालैंड एंड असम बॉर्डर कह सकते हैं इस जगह को। सीधा जो है ये जाती है नागालैंड दिमापुर के लिए, और इसी रोड से मुझे अभी जाना पड़ेगा गोलाघाट साइड के लिए। और रास्ते में कौन सा जगह मिलेगा वो मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं, बट किसी को पूछेंगे। ये वाला जो रोड है ये उस साइड से आ रही है गोलाघाट साइड से, और दूसरा जो जिस रास्ते से मैं आया वो है आपका डिफू साइड से आने वाला रोड। तो ये दोनों रोड जाके ना डिलाईगेट में मिलते हैं, वो एक टीनाली जैसा है, वी कैन से डिलाई टीनियाली ऑल्सो। ये जो एरिया है ना ये कार्बी अंगलोंग का ही एरिया है। मुझे आगे जाके फिर से किसी को पूछना पड़ेगा,
बट आसाम में ना मेरे को गूगल मैप वगैरह देखना ठीक नहीं लगता। अरे ये क्या है? ओके यहाँ ये रोप रेल है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लोग भी नहीं। Yeah, this is the highway. From here, I have to take left. ये जो right side जा रही है ना, ये दिमापुर के लिए है। यहाँ ये जो area है, इस area का नाम है actually Bukazan. तो मैंने ये ले लिया left. और Karbi Anglong Police. चलो यहाँ पे speed limit दिखा रहा है 60. और अभी ये वाला जो रोड है, अभी पहले जाके मेरे को मिलेगा मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन देवपानी मंदिर, देवपानी टेम्पल, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था। और उसके बाद जो नंबर फॉरेस्ट है वो मिलेगा। क्रॉस कर रहा था, सडनली मेरे को दिख गया जो मंदिर है वो, एक्चुअली मेरे को लगा था लेफ्ट साइड में है। हाँ लेफ्ट साइड में ही है, लेकिन अब अगर गोलाघाट साइड से आओगे तो लेफ्ट साइड में होएगा। ये रहा मेन गेट, यहाँ से ही जाना है सीधा, यहाँ से 500 मीटर होएगा। ये मंदिर जो है एक्चुअली दुर्गा माँ की मंदिर है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लगभग यहीं पे है मंदिर। इस साइड का होएगा, ये रहा गेट, यहाँ से ही जाना है। लेकिन उससे पहले मेरे को अपना बाइक जो है ना पार्क करना है यहाँ पे। आई जस्ट रीच्ड माई फर्स्ट डेस्टिनेशन, यही देवपन्नी का मंदिर है। और अभी वो पेड़ ढूंढना है मुझे, वो है कहाँ पे है एक्चुअली में। यहाँ पे शूज चप्पल जो भी है ना वो उतारना पड़ेगा, बट आगे तक जा सकते हैं, मैंने जितना पूछा ना वहाँ तक जा सकते हैं। और पेड़ जो है ना, ये है वो वाला पेड़, यही वो पेड़ है जहाँ पे ये रेड रेड रिबन लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक रिबन खोलने की। यहाँ पे ये रहा पेड़ और मंदिर ये वाला होएगा। जब 2005 में आया था तो ये और भी छोटा था, अभी थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया गया है। और अभी वही है, मैंने अपना जो भी रिबन वगैरह बांधा था उस टाइम में, वो तो मिलना मुश्किल है, लेकिन एक रिबन जो मिला मैंने वो खोल लिया। और खोल के मुझे पता नहीं कि उसको लेके जाना है या यहीं पे रखना है, इसलिए अपने मन से उसको वहीं पे मैंने रख दिया। चलिए निकलते हैं यहाँ से। जो डेस्टिनेशन था फर्स्ट डेस्टिनेशन देवपन्नी मंदिर, वो देहलिया। ये जो जगह है, फाइनली मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आप लोग दिमापुर साइड से आओगे देन नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुँचने से पहले जो एरिया मिलेगा उस एरिया का नाम है सिलोनीतान। अभी थोड़ी देर बाद गर्म पानी वाला जो पॉइंट है वो मुझे मिल जाएंगे। मैंने बाय मिस्टेकली जो सेकेंड पॉइंट है जहाँ पे मुझे जाना था गर्म पानी और स्प्रिंग वाटर, वो एरिया क्रॉस कर चुका हूँ। अभी थोड़े टाइम तक मैं कंफ्यूज था कि वो एरिया मुझे मिलेंगे या मैंने क्रॉस नहीं किया, ऐसा सोच रहा था। बट नाउ आई एम कंफर्म कि वो जो एरिया है वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ।
अभी कुछ टाइम बाद जो हाईवे है नेशनल हाईवे 37 वो 37 ही मिल जाएंगे, बट उससे पहले मेरे को एक जगह मिलेगा वो है रोहाजा, वहाँ से मुझे सीधा जाना है, दिखाते हैं आप लोगों को। सो ये है वो एरिया जिस प्लेस इज़ नोन एज रोहाजन। यहाँ से अगर आप लोग राइट जाते हो दैन गुलाघाट जो टाउनशिप है वो मिलेगा और सीधा नुमलीगढ़ मिलेंगे, और ये स्ट्रेट जो जा रही है जिस रोड से मैं आया सीधा अगर जाएंगे दिमापुर। सो दिस इज़ रोहाजन टीनियली। This is the Numaligarh area, and from this point I have to take left for my hometown. और काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा थोड़ा दूर आगे जाके, और यहाँ से अगर आप लोग राइट लेते हो देन आपको पहले मिलेगा एक जगह दैट इज़ कॉल डेरगाँव, उसके बाद जोरहट, उसके बाद शिवसागर एंड तिनसुकिया। तिनसुकिया से पहले मिलेगा आपको डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के बाद आपको मिलेगा तिनसुकिया, then you will reach अरुणाचल प्रदेश। एंड ये जो एरिया है ये नुमलीगढ़ एरिया है, एंड फ्रॉम दिस एरिया गुवाहाटी 257 किलोमीटर, नौगांव डिस्ट्रिक्ट जो है 127 किलोमीटर, और काजीरंगा नेशनल पार्क का जो मेन एरिया है कोहरा बोलता है दैट इज़ 35 किलोमीटर ऑनली।